नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना टॉप भारत चैनल में। मैं हूं आशीष राजपूत और इस समय मौजूद है ठटिया मंडी में कटियार ट्रेडिंग कंपनी दुकान नंबर 22 पे। और देख सकते हैं इस समय रात का समय हो चुका है और सफ़ेद आलू की बिक्री इस समय जारी है, तो आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल में ये वाला आलू है, थोड़ा चटका है, वो वही शायद व्यापारी साहब निकाल भी रहे हैं, लेकिन आलू बड़ा है, तो देखते हैं इसका क्या रेट जो है रहेगा और किस रेट में बिक्री होने वाली है। और आज थोड़ा समय ज़्यादा हो चुका है, तो कटियार साहब जो है इससे पहले भी आलू बेच चुके हैं, तो आज का क्या रेट में बेचें कटियार साहब वो भी पूछेंगे। अभी फिलहाल में जो है इस आलू की बिक्री जो है देख लेते हैं किस रेट में बिकने वाला। कटियार साहब क्या रेट बता रहे हो, क्या रेट बता रहे हो? 311 रुपये। तो कटियार साहब ने इस आलू के 311 रुपए बताए हुए हैं। तो आलू पूरी आलू जो है आलू तो बढ़िया है, बस वही है थोड़ा बहुत तो निकलेगा, तो थोड़ा जो है किसान भाइयों इसमें चटका हुआ आलू है एक आधा बराबर होती खेत में। तो देखिए व्यापारी महोदय हमारे क्या लग रहा है इनको आलू का भाव फिलहाल में, तो भैया ने निकाल के रखा। अब भैया 2 पैकेट भी तो माल निकलो ये समझो, तो ये 2 पैकेट कटे हैं यार, गेहूं में तो निकाल ले फिर। तो भैया जो है 2 पैकेट में इतना चलो थोड़ा बहुत तो है, चलो इसका डिमांड बताओ क्या रेट भैया। तो कटियार साहब के यहाँ आलू कैसे वाला जो सही है वो तो ठीक है, बड़ा और भी आलू है, ये है कि 2-4% जो है फट गया है। दादा आपका आलू है कहाँ, कौन गाँव से आए? जरियन। जरियन जरियन से आए हो? तो दादा कितने दिन को आलू हिगो जो? 70 दिन का। कौन सा है? पोखराज है। अच्छा, तो 70 दिन को चटक अटक गो का बजे रही, गर्मी की टेम्परेचर ही हाई रखो, घूरे के वजह से चढ़ गया। अच्छा, घूरो ज्यादा डाल दो। नहीं, वो जाता है वो तो इस बार सभी के दिन में है, आप जरूरी नहीं थोड़ा, हाँ थोड़ा बहुत तो सभी में है। तो जो है इस आलू की बिक्री भैया कर लीजिए इसकी, क्या कटियार साहब क्या लग रहा हो पाएगी बिक्री? बात चल रही ना। अच्छा अच्छा, छूट जाएंगे, छूट जाने दो, क्या है पूरी कर दो, कहाँ लिख दो, मानो करो। क्या रेट बता रहे व्यापारी साहब, एक बार हमें बता दे। हमने देख ले क्या रुपया ऊपर। चलो भाई आई रहा है, हिसाब से लिखो ना, हमने आप ना पूछ ले किसान से, किसान तो सामने खड़ो है। 311 रुपये। चलो अब तो नीचे आई गए, अब तुम कहाँ बताए, आप उनका बात बताइए। हम देख रहे ना आलू, आप देख रहे हैं, हम शिकायत देख रहे हैं, लगा रहे नंबर 1 के आलू लगाए। तो व्यापारी साहब आप, व्यापारी साहब, अरे व्यापारी साहब आप उनका बताए, आपको बताई दो, गाड़ी आई 81 रुपए। क्या जी? तो कटियार साहब 95 बताई दे, तो क्या फर्क है, कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। अब कटियार साहब थोड़ा सम्मान मान सम्मान रखो हमारे किसान भैया इस समय धरती में है। चलो 91 रुपया लिखा होता, चलो 91 तो लिखा हुआ, अभी मैं कुछ ना कहा। तो कटियार साहब ने कही दिया पहले 65 पैकेट। तो किसान भाइयों ये आलू है और इसकी जो है 291 रुपए में बिक्री हुई है, बस थोड़ी कमी ये रहेगी आलू इतना चटका निकला है इस वजह से, नहीं तो इसकी बिक्री अच्छी खासी होती। कटियार साहब और अच्छा क्या आलू ने बेचे आज? 41 रुपए तक, 341 आज। आज लाल वाला, लाल वाला बेचा है 531 रुपए, 531 का। अच्छा अच्छा, तो मतलब वही है कल और आज के रेट में ज्यादा परिवर्तन नहीं? अंचन बेची है 500 रुपए की, 500 रुपए की। हाँ अच्छा, मंडी का आज आमदनी कैसी क्या रही? डाउन है, डाउन है मंडी के अंदर आमदनी बहुत कम है। आलू भाव में कोई परिवर्तन? भाव में परिवर्तन कल देखने का, टाइट है। तो किसान भाइयों 100 रुपए टाइट हुई है कल की अपेक्षा, हालांकि हम कल नहीं आ पाए और आज का जिस हिसाब से कटियार साहब बता रहे हैं तो आज जो है मंडी कुछ टाइट है। तो देख सकते हैं इस आलू की बिक्री हो गई है फिलहाल में, और भी भैया जो है ओम साई ट्रेडिंग कंपनी के पास चलते हैं और भैया से भी बात कर लेते हैं। देखिए इस समय शाम का समय हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है मंडी की, फिलहाल में आमदनी आपको दिखाने की कोशिश करें तो आज वाकई में आमदनी कुछ कम है। और मास्टर साहब जो है आलू बिक्री कर रहे हैं, शायद इनसे भी बात कर लेते हैं। लाल आलू का जो है इस समय लगा हुआ है, देखिए। तो किसान भाइयों इस समय ओम साई ट्रेडिंग कंपनी के सामने आ चुके हैं, संजीव भैया हैं, मास्टर साहब हैं। तो फिलहाल में इस आलू की बिक्री होने वाली है, लेकिन अभी व्यापारी साहब नहीं है, होने के लिए पड़ा है। फिलहाल में भैया ने और बेचा आलू, मास्टर साहब ने उसका रेट पता करते हैं। तो सफ़ेद आलू का रेट बताएं आज कितने रुपये में बेचा मास्टर साहब? मैंने 5 लाटे बेची हैं। 5 लाठ, हाँ 331 रुपये में, 331 रुपये में, और बेचे 290 रुपये। अच्छा, और लाल वाला? लाल 501, 511 और 481।
481 तक गया। अच्छा बढ़िया, अच्छा खासा आलू कुबराज वगैरह लाल वाला नहीं था मेरे पास, कुबराज लाल गुलाल। अच्छा कल और आज के भाव में कुछ बदलाव हुआ क्या? तो बहुत मध्य बिक रहे थे। अच्छा आज ठीक रहा है? आज ठीक रहा तो 40-50 रुपए टाइट बना है मेरे लगता है। 70-80 रुपए। अच्छा क्या बोलते हैं आमदनी के हिसाब से कुछ है क्या? आमदनी पैकार ज्यादा है, आमदनी कम है। ये बात तो आने वाले समय क्या लगता है कि कुछ और टाइट बन है? गोल है कहाँ जाए? समाप्त रहे? अरे वो तो भैया समाप्त ही हुआ, उनको समाप्त नहीं है। ऐसा कोई कोल्ड ड्रिंक में 20,000 पैकेट ना हो। अच्छा हाँ सबके दाम ना मिला। क्या संजीव भैया आएगा? अभी कोल्ड भाड़े पे मिले चिप्सों ना, किसी को अगर चाहिए हो तो हमसे कांटेक्ट कराए। चिप्सों ना अभी बताओ, 20,000 अगर पैकेट बताओ, 20,000 पैकेट में इसके फायदे चले। चिप्सों वाला सिर्फ भाड़े पे? हाँ ये बात है, बस यही मारे तो दादा आलू ले आया होगा? आलू लेके भैया एक 29 पैकेट है। अच्छा अच्छा चलो अभी बिका नहीं है ना, कौन 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 गांव ज्यादा आए? अरे तो भैया जो है बड़ी दूर से आए हैं, तो अभी जो है व्यापारी अभी थोड़ा इधर नहीं आए हैं, लेकिन इस आलू की बिक्री हो जाएगी। पहले हमारे मास्टर साहब बेच चुके हैं इससे पहले, और आपको दिखाने की कोशिश करें। तो किसान भाइयों आज मंडी की आमदनी कल की अपेक्षा आज कुछ कम है, और जिस प्रकार से आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से जो है पैकेटों की लाइन लगती थी और काफ़ी लंबी लाइन लगती थी, जगह भी नहीं मिलती थी, और गाड़ियों का आज बिल्कुल भी जाम नहीं है चारों तरफ आप लोगों ने देख लिया। और फिलहाल में आज का जो रेट है तो कहीं ना कहीं बताने के अनुसार जो कल जैसे कि हम मंडी में आ नहीं पाए तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन किसान भाइयों कल की अपेक्षा आज 50-70 रुपए का कुछ टाइटपन दिखा ठटिया मंडी में। तो फिलहाल में आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। कैसा लगा आप लोग लाइक करें और कमेंट करके कुछ पूछना है पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।